मैच तुसें अग्गे पिच्छे भी खेले हो, डे और नाइट मैच जेका क्लियर ही आ। लकड़ी टीम कन्ने शुक्रिया। मेरे कन्ने और भी इस वेले सीनियर सिटीजन भी मौजूद न। राजेश गुप्ता जी सर, तुस इस वेले रामलीला कमेटी दे दंगल दे प्रेजिडेंट भी हैं, दंगल भी तुस करवाने न, अज टूरनामेंट भी करवाई है और काफ़ी सारे बच्चे जेहड़े थोड़ा अग्गे पढ़िए भी गए न, बड़े बड़े दूजे स्टेज उपर पुज्जे न। सर केह कराना चाहते सर इस उपर? तुस गलाना इयो चाहते हैं कि ये दियां टूरनामेंटा होनिया चाहिए ताकि साढ़े जेहड़े बच्चे न नशे आली साइड नहीं जान। अजकल तुस सुना दे हो है कि बड़ी किस्म का नशा जेहड़ा चला, बच्चे बिजी रौह, जेहड़ा बेला दिमाग होंदा उसलै गलत कम्में ही नशे आली साइड ध्यान दिंदा। मैं तो आखना ये दियां टूरनामेंटा सरकार ने चलानी चाहिए। चलो बच्चे साढ़े जंग जेहड़े रघुनाथ वालीबाल क्लब के जेहड़े मैंबर न, छोटे बच्चे साढ़े जंग जेहड़े न, उन्हें थोड़ी मदद की। वैसे हर साल करांदे, पिछले साल ये 3 फरवरी हुई ही टूरनामेंट, इस बार 5 फरवरी है। सर पिछले साल अगर तुसें डे डे मैच कराए या डे नाइट कराए? पिछले दिन सैटरडे संडे दो दिन हुई, इस दिन इक्को दिन कराए, डे एंड नाइट। डे एंड नाइट, हाँ। शुक्रिया सर। मेरे कन्ने और भी इस वेला मौजूद न, आखदे भी इन्हां दी पहचान दसने की कोई जरूरत नहीं है, लोग चेहरा दिखिए गै पहचान ही लैंदे ने, कि गुशू मलेशिया जी जिन्हें रामनगर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर दे विच टूरनामेंट करवाई एक क्रिकेट की, बड़ी अच्छी टूरनामेंट रही हो, सारे यूथ इतों के डिस्ट्रिक्ट कठुआ बढ़ गए, जम्मू कश्मीर के भी और बाहरलियां स्टेटें भी प्लेयर इतने खेलने आए, इनकी टूरनामेंट करवाई ही ने जी। सर पहले थोड़ा शुक्रिया सर, अस दैनिक शिफ्ट टाइम च करने जेका तुसें एक टाइम दिता असें अज, क्योंकि अस पहले टूरनामेंट भी थोड़ी बिच हिस्सा नहीं ले सके। सर अज कदिया लग गया तुसें भला? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच डिंपल जी, जहाँ पे आज मैं आया था तकरीबन 1 बजे और बिल्कुल आउटस्टैंडिंग ये टूर्नामेंट रही है। तकरीबन 1 बजे से लेकर 9 बजे तक तकरीबन 8 घंटे ये लगातार ये प्रोग्राम रहा, पर सुपर से भी ऊपर रहा। इनका जो प्रोग्राम था और जो इनकी कमेटी के मेंबर्स थे और जो इन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे उनको, उनके ऊपर ये बिल्कुल खरे उतरे हैं। इन्होंने इंडिविजुअली किसी का सपोर्ट नहीं किया है और इनके लिए हर एक जो टीम थी 8 की 8 बराबर ही थी। अब जोर किस में था वो टीम जीती है, जो टीम में बाकी जो 7 चली गए 6 फाइनल में भी नहीं पहुंची थी उनको भी कोई ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए, उनको अगली बार इधर और ज़्यादा कोशिश करने के लिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट से भी बेहतर होगी अगली बार। सर बात की जाए, अगर आप भी टूर्नामेंट करवाते हो, वो क्रिकेट की टूर्नामेंट है, तो जो आप टूर्नामेंट करवाते हो वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर या पॉलिटिकल लीडर ने कोई सहयोग करते हैं वहाँ पे? या सर हम देखिए, जब ये पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेशन से हमें जरूर परमिशन लेनी पड़ती है इस बात की, मगर हम पॉलिटिकल को इसमें नहीं लाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली हमारे अपने फंड्स होते हैं, जैसे रामपुर में ये इन्होंने तैयार किया है। सो जब पॉलिटिकल इसमें पड़ जाता है तो गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि अपोजिशन काफ़ी होती है। ये हमारे लोकल सर सतीश जी हैं, ये इस समय इधर आए हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, मगर पॉलिटिकल के बहसियत से नहीं आए हैं यहाँ पे, अपने जो इनका एक गांव है यहाँ पे इनकी सपोर्ट करने के लिए, और इन लोगों ने इनको सम्मानित किया, मुझे बुलाया, हम सिर्फ एक हेल्प के लिए आए हैं कि इनकी जो टूर्नामेंट है और आगे जाके 4 चांद लगे इस टूर्नामेंट को। सो मैं अपने दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ इनका, और इन्होंने हमें बुलाया और इन्होंने हमारा स्वागत किया, और रियली दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब, टूली आउटस्टैंडिंग। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे कन्ने इस वेले मौजूद भी हैं बीजेपी के सीनियर दिग्गज नेता पंडित सतीश शर्मा जी। सर शुक्रिया सर। धन्यवाद डिंपल जी, तुंदा बड़ा बड़ा धन्यवाद। सर मेरा पहला एको क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा कोई पॉलिटिकल रिलेटिव ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है, लेकिन पंच या सरपंच या DDC या BDC या फिर कोई MLA अगर ये हैं सर, अगर पंचायत के बिच, तो सर ये जी टूरनामेंट करवाई है ये उनका योगदान बनता है कि बच्चे इस वे नशे के उपर जा रहे हैं, अगर वो अगर इस हिस्सा नहीं ले जाते हैं, तो जे अगर लोकल के यूथ अगर इस उपर हिस्सा ले जाते, लोकल के अगर टूरनामेंट करवाई जाते हैं, तो क्या इस एरिया बिच, क्या वो बिलावर के एरिया बिच एक भी ग्राउंड अज की डेट के बिच सर बच्चे खेलने से नहीं है? सर इस उपर क्या तुम बुलाना चाहते हो? डिंपल जी थोड़ी बिल्कुल जो गल आखा दोस्तों एकदम सही है, लेकिन है दिक्कत है, कुछ ना कुछ करवानी चाहिए, उन्हें लोगों भी आना चाहिए, अगर आना चाहिए, चाहे वह सरपंची जोन पंची जोन या BDC DDC जो भी है ना, उन्हें आना चाहिए, जो भी लोकल रिप्रजेंटेटिव जड़े होंगे ना,
लेकिन चलो खैर हो सकता वो भी करवाते हैं अपने वह लेकिन मैं ये अज जी टूरनामेंट हुई है इतने रामकोट और सारे को बड़ी गल मैं आखी सकना कि यह डे नाइट की टूरनामेंट ही और यानी उधमपुर को लेइए तो तुम धार तक समझी लाओ ये धार रोड जी है ना ये जम्मू कश्मीर की लाइफ लाइन है ये रोड जड़ा है और ये उपर ये नौजवान वर्ग ने यह सारी हिम्मत की तुम दिखा करते हो राती दे बेले इस वेले लगभग 9 बजे का टाइम होया करता है और कितनी अच्छी लाइटिंग का प्रबंध किया है प्लेयर्स दे वास्ते खाने का प्रबंध किया सारी अच्छी व्यवस्था की और ये वास्ते इन्हें कि मैं सारे की नौजवान ही साधुवाद दिना धन्यवाद भी दिना और इन्हें इनका मैं अभिनंदन भी करना कि जिन्हें इन्ना अच्छे ये टूरनामेंट जी है वह आयोजित इतने की है लेकिन जी तुम आखा दो कि ग्राउंड्स के बारे में ये अस भी बड़े तत्पर हाँ कि जियां हम सपोज साढ़ा इतने बड़ा वाला एक ग्राउंड है रामकोट के चौगान का मैदान है और वह तो मैं आखी सकना कि डिस्ट्रिक्ट के नंबर 1 मैदान है उत्थे एक अच्छा स्टेडियम बनया इनडोर स्टेडियम बनया ताकि बच्चों की एक पॉजिटिविटी आले पासे जान बनाना कुछ है ग्राउंड पर वो आखे करने निवेदन करे करने हैं लोगों अस जे इसलिए लोकल रिप्रजेंटेटिव हैं लेकिन चलो अगर नहीं होता लेकिन अस भी लगते हैं कुछ ना कुछ करने जिथे साड़ी आवाज़ पहुंचे करती है जिथे अस कोशिश करे करने पहुंचाने उत्थे भी पहुंचाया करने ईश्वर अच्छा समय ले आओ अच्छा टाइम ले आओ और मैं आखी सकना कि युवा पीढ़ी की एक अच्छा मौका इन्हें खेलने के माध्यम करने मिलग और बच्चे जड़े ने खासकर युवा पीढ़ी जड़ी है वो पॉजिटिविटी की तरफ आओ नेगेटिविटी की छोड़ दे अज नशे का दौर चले करता है लेकिन मिगी ये भरोसा है कि साढ़े इस एरिए बच्चे जड़े ने वो बिल्कुल खेलने के पास बड़ा ध्यान दिया दे मैं इतों के यूथ स्पोर्ट्स जी डिपार्टमेंट है मैं वो भी ऑफिसरस की भी आखन कि यार ये तो थोड़ा काम है तुम भी थोड़ा जहा इनिशिएटिव लाओ तुसेंगी बाहर आना चाहिए और इे दिन टूरनामेंट्स जुड़िया उनके अपनी अपनी थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन करनी चाहिए या इन्हें लोगों की थोड़ी जी हिम्मत देनी चाहिए उत्साह देना चाहिए लेकिन वो डिपार्टमेंट भी कुत्थे सुत्ते रहते मिगी तो नहीं लगता कि वो कभी कोई इे प्रोग्राम कभी करवाई पाते हैं चाहे वह बिलावर का ले लाओ तुम बिल रामकोट से ले लाओ ये तार रोड पर तुम कुत भी ले लाओ मिगी तो नहीं लगता लेकिन मैं फिर भी हायर अथॉरिटीज़ की यह गल आखंग थोड़े इस चैनल के माध्यम राय कि उन्हें भी थोड़ा अगर सुत्ते होने तो जागना चाहिए नहीं तो परिणाम बड़े गंभीर होंगे जल्द युवा पीढ़ी अपना जोश दसती है ना अगर वो राती दे विच अपने ढंग के कन्ने इन्नी वधिया व्यवस्था कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं वो तुसें सुत्तने की भी जगाई सकते हैं इन्ना मेरा निवेदन है वो सुत्तदे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कठुआ दे यानी या सर डिस्ट्रिक्ट उनू परदेवी है ना से थियाल चुगवान की गल करिए उत्थे भी टूरनामेंट हर साल दे विच हुंदी है हुण पंचायत सूनला की गल की जा बड़ी अच्छी ग्राउंड बनाई है उन्हें सरपंच ने असें भी खुद ग्राउंड उपर जाइए देखिया उन्दू पर एक स्टेडियम भी है उत्थे भी टूरनामेंट चल रही मतलब तीन तीन जगह उपर एक बच्चे खेलने वास्ते एक अच्छी ग्राउंड मिल रही तो बिलावर दे विच एक भी ग्राउंड ऐसी नहीं है सर देखो जी मैं तुसें गल आखी है ना ये करना चाहिए सरकार की करना चाहिए लेकिन मैं एक भी गल मिगी कोई आखने की कोई गुरेज नहीं है कि ये देखो जड़ा जियां पठानकोट तो लेइए जम्मू तक एक हाईवे है उइयां ही पठानकोट तो लेइए उधमपुर तक सेम हाईवे है इंदा दोनों रोड्स का 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है एक पासे की तुस बड़ी तरजीह दे करदे हो मैं आखी सकना बड़े ओहदे कन्नै कि तुस धार रोड दे उपर कोई ध्यान नहीं दिया करदे मैं ये डिपकाम साहब की भी आखे करना मैं चीफ सैकटरी जम्मू कश्मीर की भी आखे करना तो मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय की भी गल आखे करना कि इस क्षेत्र के उपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि लोग बड़े मतलब महसूस करे करते हैं कि साढ़े पास कोई डिवेलपमेंट ना दी नहीं ज्यादा चीज़ नहीं हो करती है बाकी समस्या तो है ना समस्या का समाधान भी होग समय दा है इसलिए ब्यूरोक्रेसी जरा ज़्यादा आ भी है समय आओग अच्छा समय भी आओग ये तुसे भरोसा करना चाहिए सर लास्ट क्वेश्चन ही है सर लोकल टीम इतों की रामकोट की नहीं सर बाकी टीमें आई हैं क्या लोकल टीम तुम्हें क्यों नहीं खिलाई नहीं वो इस करी नहीं खेले इतना नौजवान ने क्योंकि प्रबंध व्यवस्था भी करना है उन या तो वह खेलते नौजवान तो या वो प्रबंध व्यवस्था करते तो कोई चिंता का विषय नहीं है मज़ा आता है असें बारले गी खिलाया और बड़े अच्छे ढंग ने तुसें दिखा होना कि इतना बड़ा वधिया अनुशासन रहा और मैं इन्हें नौजवानें सारे की बड़ी बड़ी बधाई दिना कि जिन्हें आपू ना खेलते हुए पूरी व्यवस्था की सारी वो किया व्यवस्था की और उन्हें बाकी नौजवान खिलाया देखो बड़ी बड़ी गल है छोटा जिहा स्थान है लेकिन जम्मू कश्मीर के मतलब इस रामकोट ग्रां के इस तहसील हैडक्वाटर के पंजाब तो टीम आई है उत्तराखंड तो टीम आई दी है कश्मीर तो टीम आई बड़ी बड़ी गल है छोटे स्पाट के उपर बड़िया बड़िया टीम आनी और मैं इस युवा पीढ़ी की बड़ी बधाई दिना कि जिन्हें ये इन्ना वधिया खेल इतना जोड़ा है खिलाया मैं ये मैं इन्हें बड़ा बड़ा साधुवाद दिना नौजवान शुक्रिया सर धन्यवाद
मेरे कन्नै इस वेल्लै मौजूद है पंडित सतीश शर्मा जी। मैं जनता को रिक्वेस्ट करना कि इस वीडियो की ज्यादा कोला ज्यादा शेयर करना। अगर इन्ने छोटी जी ग्राउंड उपर अगर दूर दूर दी टीमां आ दियां बाहर दी स्टेटां उपर ते जे अगर इत्थे अगर एक प्ले ग्राउंड अगर एक अच्छा बनी जा ते फिर देखो तुसीं नैशनल लैवल दियां टूर्नामेंटां भी इस ग्राउंड विच हो सकदियां इत्थे। लेकिन इस उपर कदम कौन चुकना? पंचां लेइया सरपंच डीडीसी बीडीसी एमएलए इस वेल्लै बैठे दे न। क्या वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के एम एल ए सिर्फ बैठते गए या फिर कोई शिक्षा लेनी है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर को? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर बड़ी टूरनामेंटा हर पंचायत में हो दी हर कंस्टिटुएंसी में हो दी लेकिन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और तहसील रामनगर बड़ा ज्यादा डिफरेंट है। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करना इतों के जो नवाइंदे जीते हैं कि तुम भी थोड़ी जी हलचल करना और यूथ की एक अच्छी राह पर लाने वास्तव तुम दो कदम जो जरूर अगर चलना। मैं जनता को रिक्वेस्ट करना इस वीडियो को ज्यादा कोला ज्यादा शेयर करना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जोरदार तालियां प्रथम जी के लिए, हमारे बेस्ट प्लेयर हैं ये हमारी टूर्नामेंट के, इनको मोमेंटो प्रेजेंट किया जाएगा हमारे जो चीफ गेस्ट गेस्ट ऑफ ऑनर की तरफ से। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया इन्होंने आज अपनी गेम का प्रथम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां इनके लिए। और अब हम यहाँ प्रेजेंटेशन बूथ में बुलाना चाहेंगे हमारी विनर टीम जो बनवाल की टीम है और उसके स्पॉन्सर प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी जोरदार तालियां प्रदीप जी के लिए। और टीम से भी गुजारिश है कि पूरी टीम यहां पे आनी चाहिए। पूरी टीम ने बहुत बढ़िया खेला है। स्पॉन्सर तो सिर्फ स्पॉन्सर करते हैं लेकिन जो ग्राउंड पे दमखम होता है वो टीम का ही होता है। पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां सभी खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा। हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर चीफ गेस्ट इनको सम्मानित करेंगे और जो हमारे वरिष्ठ जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो इनको सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। हमारे जो सारी टीम है काफी अच्छा, यहाँ पे उन्होंने खेल दिखाया है, अपना टाइम निकाल कर आए हैं लाखड़ी वाले, बहुत दूर से हैं, हर चीज जिंदगी का हिस्सा है, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत बढ़िया जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें इस टीम का, लाखड़ी की टीम। आपका बुजुर्ग मेंबर है वो समारोह करेंगे। जोरदार तालियां बजाई जाए। अपना कीमती समय निकाल कर कृपया सभी लोग तालियां बजाइए। हमारे सिटीजन हैं वो हमारे जो चीफ गेस्ट हैं और गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनको कृपया होनी चाहिए तालियों में कोई। हमारे जो सीनियर सिटीजन हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर चीफ गेस्ट सबके लिए जोरदार तालियां। सभी दर्शकों से अनुरोध है तालियां बजाकर फाइनल खेला जाएगा। अभी बहुत जोर से बेस्ट ऑफ फाइव मैच आपके सामने खेला जाएगा। तहसील रामकोट कठुआ डिस्ट्रिक्ट की सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट, सबसे बेहतरीन डे एंड नाइट टूर्नामेंट। पहली बार जब पूरी ब्लॉक तहसील में उधमपुर और मजालता में यहाँ ऑर्गेनाइज कराई जा रही है डे एंड नाइट, पहली बार यहाँ पे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए इस टूर्नामेंट का। बहुत ही बढ़िया रेफरी, बहुत ही बढ़िया लाइनमैन, बहुत ही बढ़िया दर्शक। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा चल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे